गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैथमेटिक्स की लास्ट क्लास में हमने जो सम्स ऑफ मल्टीपल ऑपरेशंस किए थे, दे वर बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसी कॉन्सेप्ट पर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं और उनको समझ लिया है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के मल्टीपल ऑपरेशंस को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ और सम्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जो फर्स्ट सम हमारा है वो क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12 देन मल्टीप्लाइड बाई 5। नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं आपको, लेकिन इन नंबर्स को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है, आपको ऑलरेडी पता है, हमें करना है कि हम जब इस टाइप के सम्स को सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट टू राइट में जो पहला ऑपरेशन हमारे पास होता है उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का। पहला ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे। रिमेंबर टू अंडरलाइन द ऑपरेशन, वरना आपका जो सम है मे बी गलत हो जाए, क्योंकि आप सेम ऑपरेशन को दोबारा रिपीट कर सकते हो, इजंट इट। चलिए 6 × 4 व्हाट विल बी द आंसर, यस द आंसर विल बी 24। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा 24। अब हमको क्या करना है, जो रिमेनिंग सम है उसको हम एज इट इज उतार लेंगे। तो डिवाइड बाई 12 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हमने सम को एज इट इज उतार लिया। अब हमको क्या करना है, अगेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमें क्या करना है, जो फर्स्ट ऑपरेशन है उसको अंडरलाइन करके सॉल्व करना है। तो ऑपरेशन है डिवीजन का और सॉल्व क्या करना है, 24 को डिवाइड करना है 12 से। क्या करना है, 24 को डिवाइड करना है 12 से। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बस एक हमें छोटी सी प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है, जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है, सपोज करिए 6 × 4 है, तो इसमें हम कोई सी भी टेबल पढ़ सकते हैं। अगर हम चाहें तो 6 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ सकते हैं, और अगर हम चाहें तो 4 की टेबल 6 टाइम्स पढ़ सकते हैं, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। बट डिफरेंस जो मैटर करेगा वो है डिवीजन में, 24 डिवाइड बाई 12। हम ऐसा नहीं कर सकते कि चाहे तो 24 को 12 से डिवाइड कर दें, चाहे 12 को 24 से डिवाइड कर दें, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या करना होता है, इसमें जिससे डिवाइड करना है उसकी हमको टेबल पढ़नी होती है, जैसा कि यहाँ पर है 24 डिवाइड बाई 12, मतलब 24 को डिवाइड करना है 12 से। तो यहाँ पर हमको 12 की टेबल पढ़नी है अनटिल वी गेट 24। तो 12 की टेबल में कितने टाइम्स 24 आता है, इट कम्स 2 टाइम्स, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया एंड मल्टीप्लाई बाई 5, तो 2 × 5 इज इक्वल टू 10। तो इस सम को सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमारा आएगा वो है 10। द नेक्स्ट वन इज 6 × 6 डिवाइडेड बाई 6 अगेन मल्टीप्लाइड बाई 2। तो हमको क्या करना है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सॉल्विंग फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, 6 × 6 एंड द आंसर विल बी 36। उसके बाद हम रिमेनिंग सम को उतार लेंगे ऐसे। ध्यान है ना कि दोबारा सम को उतारते समय कोई भी साइन या कोई भी नंबर डिजिट आपको चेंज नहीं करनी। अगर आपने ज़रा सा भी गलती कर दी उतारने में तो आपका सम पूरा ही रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 36 / 6 फर्स्ट ऑपरेशन क्या है इसमें, अब डिविजन का, तो 36 को डिवाइड करना है हमको 6 से एंड द आंसर विल बी 6। 36 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6 एंड द रिमेनिंग सम मल्टीप्लाई 2। अब हमारे पास एक ही ऑपरेशन बचा है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 6 × 2 इज इक्वल टू 12। दिस इज द आंसर ऑफ दिस सम, 6 × 6 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, द आंसर इज 12। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टू सम, द सम इज 8 / 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड अगेन डिवाइडेड बाई 6। तो चलिए देखते हैं, 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर होगा, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, बताइए कौन सी टेबल पढ़नी होगी, टेबल हमको पढ़नी है 4 की, राइट। तो 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, यस 2 टाइम्स आता है, और फिर हम उसके बाद रिमेनिंग सम को उतार लेंगे। बस यहाँ पर अगर आपकी गलती हो जाती, मल्टीप्लाई उतार देते, तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाता, आंसर आपका गलत निकलता। अब 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 6 से डिवाइड करना है, द फर्स्ट ऑपरेशन इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा,
आंसर विल बी 6, और फिर उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे. 6 को 6 से डिवाइड करने पर आंसर हमारा आता है 1, बिकॉज 6 ones are 6. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन निकलता है जो हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं डिवाइड करके. आपको पता है ना ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन होता है. एंड नाउ द नेक्स्ट सम, 9 divided by 3 divided by 3 multiplied by 4. 9 को पहले हमें 3 से डिवाइड करना है, फर्दर 3 से डिवाइड करना है, उसके बाद हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन हो गया. ठीक है ना, अब इसको हम क्या करेंगे बताइए, 3 की टेबल पढ़ेंगे. द आंसर विल बी 3. 9 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 3, और बाकी का सम हम उतार देते हैं. ओके, अब फर्स्ट को ऑपरेशन कौन सा है हमारा, अगेन डिवीजन. 3 को 3 से डिवाइड करना है. द आंसर विल बी 1 multiplied by 4. तो अगर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 4. द नेक्स्ट सम इज 16 divided by 2 multiplied by 1, अगेन डिवाइडेड बाई 2. क्या है क्वेश्चन, 16 को पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो फर्स्ट ऑपरेशन इज डिवीजन. 16 divided by 2 is equal to 8. ठीक है, आपको पता है यहाँ पर मैं आपको डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखा रही, उसके लिए आपको सारी टेबल्स याद होनी चाहिए बाय हार्ट. तो 16 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 8, एंड द रिमेनिंग सम लाइक दिस. नाउ द फर्स्ट ऑपरेशन इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तो 8 multiplied by 1 is equal to 8, अगेन डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 2. तो 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा हमारा 16. तो इस सम को सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा आ गया 16. द नेक्स्ट वन, 2 into 4 into 2 divided by 8. पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है. नाउ नेक्स्ट जो आंसर आएगा उसको 8 से डिवाइड करना है. तो 2 into 4 is equal to 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 8. अगेन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करना भूल गई, इस ऑपरेशन को हम सॉल्व कर चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, 8 into 2 होते हैं 16, अगेन डिवाइडेड बाई 8. ठीक है, अब द नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारे पास बचा है, नेक्स्ट और हम हो सकते हैं लास्ट ऑपरेशन जो बचा है, दैट इज ऑफ डिवीजन. तो बताइए 16 को 8 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा. यस, 16 को 8 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 2. ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट टू सम्स, एंड द लास्ट टू सम्स आर 27 divided by 9, फर्दर डिवाइडेड बाई 3, अगेन डिवाइडेड बाई 1. ठीक, तो चलिए पहले 27 को 9 से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया, आंसर विल बी 3. राइट, नाउ द रिमेनिंग सम डिवाइडेड बाई 3, अगेन डिवाइडेड बाई 1. ओके, अब ये हमारा इस सम में, जो हमारा सम छोटा हो गया, इस सम में ये फर्स्ट ऑपरेशन है. तो 3 divided by 1 is equal to 1. तो हमने बाकी सम भी उतार लिया. नाउ द सम इज 1 divided by 3. अब 1 को हमको 1 से डिवाइड करना है, तो ये तो हमको मालूम ही है, द आंसर विल बी 1. तो 27 divided by 9 divided by 3 फर्दर डिवाइडेड बाई 1 is equal to 1. इस सम को अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर क्या हमने तो कर ही दिया, आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा. एंड द लास्ट सम ये आपको अपने आप ही करना है, मालूम है ना, 3 into 2 divided by 6, अगेन मल्टीप्लाइड बाई 3. पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 6 से डिवाइड करना है, अगेन जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, दिस इज द होमवर्क जो आपको अपने आप करना है. बाकी सम्स भी आपको करने हैं, अपने आप ही करने हैं. कोशिश कीजिएगा कि आप केवल क्वेश्चंस को उतार कर बाकी सम को अपने आप ही सॉल्व करें, लेकिन ये सम तो पूरा ही आपको अपने आप करना है, मैं इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाली. दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय.